मर्सिडीज बेंज 2 दिसंबर 2022 को भारत में मर्सिडीज बेंज GLB और उसके इलेक्ट्रिक मॉडल EQB को लॉन्च करेगी। GLB कंपनी की सबसे सस्ती SUV GLA के ऊपर स्थित एक कॉम्पैक्ट लग्जरी 7 सीटों वाली SUV है। वहीं EQB लग्जरी EV सेगमेंट में पहली 7 सीटों वाली पेशकश होगी। मर्सिडीज बेंज EQB कंपनी के इलेक्ट्रिक लाइनअप में EQC के नीचे स्थित होगी और ब्रांड की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक भी होगी। जीप ने SUV के लिए प्री बुकिंग खोलने के साथ भारत में नई ग्रैंड चेरोकी की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है। जीप ग्रैंड चेरोकी भारत में कंपनी की सबसे महंगी SUV होगी और ये केवल पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध होगी। वहीं कंपनी ने भारत में ग्रैंड चेरोकी की लॉन्च को 11 नवंबर 2022 के बजाय 17 नवंबर तक टाल दिया है। टाटा मोटर्स ने भारत में 50,000 इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का आंकड़ा पार कर लिया है। कार को पुणे महाराष्ट्र में कंपनी के प्लांट में बनाया गया। टाटा मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों की सबसे बड़ी निर्माता और विक्रेता है। वर्तमान में कंपनी बाजार में नेक्सॉन EV रेंज, टियागो EV और टिगोर EV को निजी कार खरीदारों के लिए बेचती है। साथ ही टैक्सी सेगमेंट में एक्सप्रेस TEV की बिक्री होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। ऑटो जगत की सारी हलचल सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।